हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो दोस्तों, दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 10th ऑफ रेनबो पार्ट 2, द सेकेंड लास्ट चैप्टर। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। ओके, ऑन पेज नंबर, इट्स पेज नंबर, it's on page number 95. Okay, India through a traveler's eye. India through a traveler's eyes. Okay, by Pearl S. Buck. She is the writer. Okay, India through traveler's eyes. Okay, dosto, India through traveler's eyes by Pearl S. Buck. जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पहले उसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक नज़र, एक ग्लांसिंग कर लेते हैं राइटर के बारे में, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड आते हैं। और एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे दोस्तों, ये जो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमको कह रहे हैं, ऑफकोर्स हम एक बार इसको पूरा कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे और भी जितने भी उसके फॉर्मेलिटीज़ हैं, सारी चीज़ों को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पूरा करेंगे। ओके, गुड। सो हम लोग पर्ल एस बक के बारे में जान लेते हैं। पर्ल एस बक 1892 to 1973, तब जन्मे और तब उनका इनकी डेथ हो गई। अमेरिकन बाय बर्थ। ये जो पर्ल एस बक हैं, एक लेडी राइटर हैं, ऑथर हैं। और ये जब अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, वॉज रियर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। उनके मिशनरी पेरेंट जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, है ना, उनके द्वारा चाइना में इसको पला बढ़ाया गया। रेयर माने होता है मतलब पलना बढ़ना, R-E-A-R, रेयर। ओके, इन चाइनीज सिटोड इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी थी। शी इज़ नोन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमोयर्स। शी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल। बहुत तरह के उसने मेमोयर्स लिखे, बहुत तरह के उन्हें ट्रैवलॉग्स लिखे, और इसमें से बहुत सारे कंट्रीज़ में वो गई। तो जितने भी कंट्रीज़ में गई तो वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा कि वहाँ उनके जाने जब गए तो उनके हालात कैसे रहे, वहाँ का जो उनका सफ़र था, उनका जो वहाँ जाना था किस तरह का रहा, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। और काफ़ी सिंपल एंड लूसिड, काफ़ी सिंपल, क्लियर और एफर्टलेस इंग्लिश में लिखा हुआ है, कि ऐसा कि नहीं जोर लगाना पड़ रहा इंग्लिश में, एकदम बिल्कुल क्लियर, एकदम फ्लोइंग इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। शी वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1938, और इन्हें नोबेल प्राइज़ 1938 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, लिटरेचर के लिए दिया गया था। ओके, नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स अर्थ। कुछ खास जो उन्हें काम किए, कुछ जो कलेक्शंस हैं उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, है ना, उन्हें लिखा था द गॉड्स अर्थ, भगवान की धरती, 1931। नोबेल ऑन चाइना, एक चाइना पर भी लिखा था, कम ऑन माई बिलोविड, कहता चलो यार, आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे महबूब, विद इंडिया इज़ बैकग्राउंड। और इंडिया को अगर बैकग्राउंड में रख के देखा जाए तो द प्रेजेंट पीस, जो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो वर्तमान का जो टुकड़ा है, ये लिया गया इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज। इंडिया, भारत, एक यात्री की नज़रों में, एक यात्री की नज़रों से किस तरह उन्हें इंडिया को देखा, कि क्या इंडिया में पाया, वो सारी चीज़ों को उसने इसमें वर्णन किया है। इज़ एन स्ट्रिक फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स। ये जो लिया गया है, उनकी एक उनका एक कलेक्शन है, इस पर्ल एस बक का, वो कलेक्शन है माई सेवरल वर्ल्ड्स, मेरी कई दुनिया है उनकी। तो उसी में से ये जो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आईज हैं, उसी से लिया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल रिकॉर्ड है उसकी ज़िंदगी का, पर्सनल रिकॉर्ड है, निजी एक रिकॉर्ड है ऑफ हर लाइफ,
इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस. ये उसका प्यार झलकता है हमारे देश में रहने वाले उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा गरीब पाए गए हैं उनके द्वारा. तो यही था एक छोटी सी बिल्कुल ग्लांसिंग में पर्ल एस पक के बारे में. ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड. इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज, कहता इंडिया जो है, भारत जो है, एक यात्री जो आती है उस यात्री की नज़रों में, उस यात्रियों की नज़रों से होकर किस तरह इंडिया गुजरती है, वो आती है यहाँ पे, क्या क्या देखती है, कैसे कैसे देखती है, किसको क्या लगता है, वो सारी चीज़ों को उनने जो जो देखा उनने उसको एक लिख डाला. तो इसी से कहते हैं कि इंडिया एक यात्री की नज़रों से जो गुजरी तो वो किस तरह की इंडिया, किस तरह का इंडिया, हमारी जो देश, हमारा जो देश है किस तरह का देश उसकी नज़रों में है. पॉइंट नंबर वन, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, कहता है वो. ये कहती हैं कौन, पर्ल एस बक कहती हैं कि जो भारत है हमेशा से, ऑलवेज हैज़ बीन, रही है, हैज़ बीन, रही, अब तक रही है पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, मेरे, मेरी जिंदगी के पस मंज़र का हिस्सा रही है. पस मंज़र माने बैकग्राउंड, पीछे, जो किसी चीज़ का जो पीछे होता है वो कहाँ से आता है, कोई 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 इंसान के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से वो आता है, किस 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 तरह के माहौल से, किस तरह के वो परिवार से, किस तरह के वो पालन पोषण से, है ना दोस्तों. तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बैकग्राउंड. तो वही बोलती है कि हमेशा से जो है भारत जो है हमेशा से मेरी ज़िंदगी के बैकग्राउंड का एक हिस्सा रहा है. बट आई हैड नेवर सीन इट, लेकिन कहता मैंने कभी इसको देखा नहीं, मुझे कभी इसको देखने का मौका नहीं मिला, हालांकि ये मेरे बैकग्राउंड का हिस्सा रहा है लेकिन मैं कभी भारत गई नहीं. कौन कहते, पॉल एस बक. इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, कहता अब तक अंटिल नाउ, मैंने अब तक मैं खुद फॉर माई सेल्फ, स्वयं से मैं वहाँ गई नहीं, कहाँ, इंडिया गई नहीं. ओके, ये द स्टोरीज, लेकिन फिर भी द स्टोरीज दैट, वो कहानियाँ जो आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो इंडिया का है. कौन कह रही है, पर्ल एस बक, कि उनका जो फैमिली डॉक्टर है वो इंडिया का है और वही उसके बारे में कुछ स्टोरीज हैं, कुछ कहानियाँ हैं जो भारत के बारे में बताता रहता है. फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइल्ड वाइफ टोल्ड मी व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तो उनकी वाइफ ने, डॉक्टर ने, उनकी वाइफ ने हमको इंडिया के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें बताई थी. व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, हैड वोवन देमसेल्व्स इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम्स, और ये सारे सपने मैंने बुन लिया था. क्या बुना था, कि ये जो हमारे, मेरे जो है ना, इट वॉज चाइल्ड हैड वुमन themselves into my growing dreams. इतनी सारी कहानियाँ उन्होंने सुनाई थी, ये सारी चीज़ें मेरे सपनों में बिल्कुल बुनी जा चुकी थी, है ना. ग्रोइंग ड्रीम्स, वो सपने जो मेरे बढ़ते जा रहे थे, उन सपनों का एक अंग बन चुका था. क्या चीज़, जो चीज़ मुझे भारत के बारे में मेरा डॉक्टर, उसकी पत्नी सुनाती थी. ठीक है, ओके. एंड आई हैड लॉन्ग रेड एवरीथिंग that I could find about the country. और मैंने बहुत पहले long ago I had long read everything. मैंने पहले ही पूरा चीज़ पढ़ लिया था भारत के बारे में. I could find about the country. जो कुछ मैं इस कंट्री के बारे में पाया, जो कुछ पाया मैंने उसको पढ़ लिया था. ओके, फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्न्ड, मैंने अपने पिता से सीखा था. कौन कह रही है, पर्ल एस बक कह रही है कि मैंने अपने पिता से सीखा था. क्या सीखा था, इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा. हमने अपने पिता से सीखा था, हमारे, मेरे पिता ने हमको वहाँ के बारे में, भारत के बारे में बताया था, बुद्धिज्म के बारे में बताया था, और जो लॉर्ड बुद्धा हैं, जो उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताया था. कौन कह रही है, पर्ल एस बक. उनके पापा ने उनको लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया था, गौतम बुद्धा के बारे में, और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया था. पॉइंट नंबर टू,
The very word color reminds me of the variety of hue that is Indian life, as various as our own American scene. कहता है कि the very word, कहता वही word, वही जो color word है, color, color में रंग, वो जो color है वो हमें remind करता है, याद दिलाता है. किस बात का याद दिलाता है? The variety of hue, बहुत तरह के रंग, variety of hue, कई प्रकार के रंग, है ना? That Indian life, that is Indian life, कहता कि भारतीय जीवन जो है, उसके कई रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं, varieties of hues, colors. तो वही कहते हैं पर्ल S.Buck कि जो कलर का नाम आते ही हमको भारत की याद आती है और भारत में कई तरह के रंग हमको नजर आते हैं. As various as our own, जैसा कि हमारे अमेरिका में है ना, अमेरिकन सीन, अमेरिका का अगर हम सीन देखें, वहाँ का मंजर देखें, वहाँ का दृश्य देखें, वहाँ का नज़ारा देखें, तो वहाँ भी हमको इस तरह का हमको सीन नज़र आएगा. चूँकि ये अमेरिकन थी बाई बर्थ, तो ये अमेरिका के बारे में भी ये बात कर रही हैं. Where the white barbarian invaders from Europe long ago penetrated India. कहाँ चला गया दोस्तों? ओके, इन कश्मीर, कहते हैं वो जो पर्ल S.Buck हैं, कश्मीर को थोड़ा फोकस करते हैं, कश्मीर को फोकस करती हैं वो कहती हैं कि इन कश्मीर, कश्मीर में वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स, कहते हैं कि वो जो सफ़ेद बारबेरियन, अनसिविलाइज्ड बारबेरियन माने दोस्तों अनसिविलाइज्ड, असभ्य जो इन्वेडर्स थे, जो अटैकर्स थे, जो हमलावर थे, जिन्हें हमला किया था, आक्रमणकारी थे, फ्रॉम यूरोप, जो कि यूरोप से आए थे, लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, पिनेट्रेटेड इंडिया, इंडिया में लोग घुस आए, पिनेट्रेट मैंने छेद करना, घुस जाना, तो इंडिया में वो लोग यूरोप से जो आए थे, वो लोग आक्रमणकारी, वो इंडिया में क्या किए, घुस गए, पिनेट्रेट कर गए. द पीपल आर ऑफन फेयर, द पीपल आर ऑफन फेयर, कहते हैं कि वो जो पीपल हैं, इंडिया के जो लोग हैं, अक्सर बहुधा वो लोग क्या फेयर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं. ओबन हेयर्ड, ओबन बोलते हैं दोस्तों गोल्डन कलर का जो बाल होता है, गोल्डन कलर का ना, गोल्डन ब्राउन जो कलर के जो बाल होते हैं. ओके, ब्लू आइड वुमन, वहाँ की जो औरतें होती हैं ब्लू आइड होती हैं, उनकी आंखें ब्लू होती हैं, नीली आंखों वाली होती हैं, और ब्यूटीज देयर, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की औरतों की खूबसूरती, ये सारी बातों का पर्ल S.Buck कश्मीर का जिक्र करते हैं कि वहाँ की खूबसूरती देखने लायक है, वहाँ की औरतें खूबसूरत हैं, उनकी आंखें नीली हैं, है ना, उनके जो बाल हैं काफ़ी क्या बोलते गोल्डन ब्राउन है, ओबन कलर का है. तो वही सारी बातें जो है इंडिया के बारे में वो पर्ल S.Buck क्या करती हैं, डिस्कस करती हैं. यंग इंडिया फ्रेंड ऑफ माइन has recently married a Kashmiri man. कहता है कि a young Indian friend, कहता हमारा एक जवान Indian दोस्त, भारतीय जो दोस्त है, अभी मेरा जो भारतीय दोस्त है, कौन कह रही है? पर्ल S.Buck कहती है मेरा जो भारतीय एक दोस्त है, जवान है, has recently married, अभी हाल में ही क्या किया उन्होंने, शादी किया है. किसको? एक कश्मीरी आदमी को शादी किया है. कौन कह रहा है? पर्ल S.Buck साहिबा कह रही हैं, ये जो ऑथरेस हैं, ये कह रही हैं कि उनकी जो कोई सहेली जो हैं, उनने किसी भारतीय जवान से, भारतीय यंग मैन से शादी की है, जो कि कहाँ का रहने वाला है? इंडिया का, और वो कश्मीर से बिलोंग करता है. द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज अ लवली क्रीम, कहता कश्मीरियों का जो स्किन का जो कलर है, चमड़े का जो रंग है, बिल्कुल क्रीम की तरह है, लवली क्रीम, प्यारा सा क्रीम की तरह है. एंड द फीचर्स, और जो फीचर्स हैं, और जो उनके फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ग्रीक, कहता है कि उनका जो फीचर्स है, जो उनके जो नक्श हैं, उनके मेन नक्श हैं, काफ़ी ऐसा लगता है कि ग्रीक की तरह दिखते हैं, ग्रीक मतलब यूनानियों की तरह दिखते हैं. बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, कहते हैं लेकिन सारे लोग इंडिया के, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड, उनको गिना जाना चाहिए, उनको देखा जाना चाहिए, रिकॉर्ड मैंने गिनना दोस्तों, गिना जाना चाहिए एज बिलोंगिंग टू द
कोकेजन रेस, कहता है कि इस तरह से गिना जाना चाहिए कि कोकेजन जाति की तरह गिना जाना चाहिए। कोकेजन जाति बोलते हैं दोस्तों इंडो यूरोपियन वो इंडिया के लोग जो यूरोप में रहते हैं, उसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन मीन्स कोकेजन रेस। तो वही कहते हैं कि बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कोकेजन रेस, उनको ऐसा माना जाना चाहिए, उनको ऐसा गिना जाना चाहिए जैसे कि वो कॉकेजन रेस से बिलोंग करते हैं, इंडो यूरोपियन रेस जाति से बिलोंग करते हैं। वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ, कहता भाई साहब ये कह रहे हैं कि साउथ में, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और आपका केरला में, साउथ इंडिया में, साउथ तरफ दक्षिणी भारत में, वहाँ के जो कलर स्किन का जो कलर है, लोगों के स्किन का जो कलर है, जो रंग है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन। ऐसा लगता है कोई अफ्रीकन कंट्री का आदमी है, ऐसा लगता है, हालांकि वो भारत में है। साउथ इंडिया के लोग ऐसे ही देखते हैं जैसे कि कोई अफ्रीकन आदमी आ गया हो, बिल्कुल उनका जो स्किन का जो कलर है बिल्कुल अफ्रीका के लोगों से मिलता जुलता है। क्लियर है, गुड। अगला में आते हैं हम लोग। एंड इंडिया हैज एन अमेजिंग वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ, कहता है कि इंडिया जो है, भारत जो है, हैज एन अमेजिंग वे, एक बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल आश्चर्यजनक एक वे रखता है, रास्ता रखता है ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली, ताकि वो अपीयर हो सके अनएक्सपेक्टेडली बिना आशा के, कहाँ, इन अदर लाइफ। नहीं पकड़ में आई बात, मतलब इंडिया के लोग ऐसे भी हैं कि ये बिल्कुल दुनिया के किसी दूसरे लोगों के हिस्से से जहाँ के लोग आते हैं वहाँ को भी वो वहाँ के लोगों को भी वो दर्शाते हैं। कैसे, अब अफ्रीका के लोग ले लीजिए, पूरे काले काले होते हैं, तो क्या इंडिया के साउथ के लोग काले नहीं होते? बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इंडिया के साउथ के लोग अफ्रीका के लोगों के बराबर ही हैं, वही हैं। तो कहते हैं कि ये जो इंडिया है हमारा अपीयर होता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, बिना आशा किए हुए दुनिया के कई लोगों से इनका जो है ये जो इमेज है मिलता जुलता, यहाँ के लोग मिलते जुलते हैं, यहाँ के लोगों का स्किन कलर वगैरह मिलता जुलता है। पकड़ में आ गई, गुड, ओके। एट द लाइफ, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उदाहरण दूँ, अगर मैं मिसाल दूँ टूडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, अगर आज हम साउथ अफ्रीका के ज़िंदगी की बात करें, अगर आज हम साउथ अफ्रीका के लोगों की ज़िंदगी की बात करें, द इंडियंस मेक अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स, जो इंडियंस हैं वो एक थर्ड ग्रुप बनाते हैं, तीसरा मोर्चा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड द ब्लैक एंड वाइट्स, द ब्लैक्स काले लोग, गोरे लोग और जो अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन आदमी हैं, इन सब का मिश्रण हमारे यहाँ मौजूद है, इन सब का मिश्रण हमारे भारत में मौजूद है। तो वही कह रही है ये पर्ल S.Buck कह रही हैं कि इंडिया हैज एन अमेजिंग वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ, एज फॉर एग्जांपल टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, द इंडियंस मेक अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड द ब्लैक एंड वाइट। क्लियर, फॉर दैट मैटर, इस बात के लिए, देयर वॉज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, कहते इसी बात के लिए, अगर हम अपने फैमिली डॉक्टर की बात करें जो कि इंडिया से था, है ना, एंड वाई शुड देयर हैव बीन एन इंडियन डॉक्टर इन चाइनीज पोर्ट, कहता कि फिर ऐसा क्यों कि चाइनीज पोर्ट में आप अमेरिकन के लिए इंडियन डॉक्टर, इसका मतलब यहाँ के लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, दुनिया के हर कोने में फैले होते हैं, मतलब दुनिया के लोगों से इनको मिलने में जो मैच करने में ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। साउथ अफ्रीका को लीजिए, यहाँ के लोगों को मिल कीजिए, बिल्कुल मिल जाता है। और एक डॉक्टर अमेरिकन फैमिली को अटेंड करता है, मतलब उसको अटेंड करता है, उनको सर्विस देता है, उनको सर्व करता है, कहाँ, चाइना की धरती पर। तो कहने का मतलब कि इंडिया में कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात है जो इस तरह की चीज़ें इंडिया में पाई जाती हैं। कौन कह रही है? पर्ल S.Buck, ओके दोस्तों। अटेंड एन अमेरिकन फैमिली एंड रूमर्स ऑफ इंडियन परसिस्ट्स, लेकिन और ये बात भी है कि इंडिया को लेकर के एक रूमर फैला हुआ है, एक रूमर है, एक अफवाह है। क्या अफवाह है दोस्तों? फॉर दे आर मेमोरेबल पीपल,
क्योंकि वो लोग काफ़ी मेमोरेबल पीपल हैं, उनको एक बार कोई मिल ले तो उनको भुला नहीं सकता, काफ़ी यादगार के तौर पर रहते हैं, ड्रामेटिक हैं, काफ़ी ड्रामाई अंदाज में मिलते हैं, एंड पैशनेट और काफ़ी जज्बाती होते हैं, काफ़ी इमोशन उसमें भरा होता है, काफ़ी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं लोगों से, एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइव्स, और उनकी ज़िंदगियाँ भी उसी भावनात्मक रूप से, उसी ड्रामेटिक रूप से बिल्कुल चलती रहती हैं। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट नंबर 4, यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ पेनिट्रेटिंग ह्यूमन लाइफ। कहते यू सी, तुम देखते हो ना कि किस तरह से इंडिया, हाउ इंडिया, किस तरह से इंडिया, कैसे इंडिया हैज़ अ वे ऑफ पेनिट्रेटिंग, इसके पास एक पेनिट्रेट करने का, छेदने का, दाखिल होने का, घुसने का, ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में घुसने का इंडिया के पास एक क्या है, वे है, एक रास्ता है। कैसे घुसती है देखिए, मतलब एंड कंसिडर हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड, और सोचो, सोचना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि इंडिया ने किस तरह से मैनेज किया है, किस तरह से हैंडल किया है, क्या नियरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, ओनली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, किस तरह से उनने अपनी आज़ादी को मेंटेन किया, किस तरह से उसको हैंडल किया, किस तरह से उसको उसने आज़ादी प्राप्त की, इंडिपेंडेंस, एंड यस, और हाँ, कौन कहती है, पर्ल S.Buck, हाँ, एंड यस, बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, और यही नहीं, इंडिया ने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जन्म दिया इस धरती में, हीरे जवाहर मोती, इतने अच्छे अच्छे लोगों ने जन्म लिया, किसने जन्म लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू, गांधी, प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, किस तरह के लोगों को इनने जन्म दिया, यही नहीं दोस्तों, ये तो हम गिन ही नहीं सकते, भारत की मिट्टी ने, हिंदुस्तान की मिट्टी ने कितने सपूतों को जन्म दिया, वो ये कह रहे हैं दोस्तों। पर्ल S.Buck जो हैं, ये जो ऑथरेस हैं, ये जो राइटर हैं, ये कह रही हैं कि बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, अरे सुपीरियर इंडिविजुअल्स बने व्यक्तियों को इनने, काफ़ी सपूतों को इनने, अच्छे सपूतों को इनने जन्म दिया, टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, जिनने इन दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, स्वामी विवेकानंदा प्रभावित किया दुनिया को, यही नहीं आर्यभट्टा, इतनी सपूतों को इनने, अगर किसी भी दुनिया में जाएं, चाहे मैथमेटिक्स की दुनिया में जाएं, चाहे मेडिसिन की दुनिया में जाएं, चाहे इकोनॉमिक्स की दुनिया में जाएं, किसी की किस चीज़ की दुनिया जाए, एजुकेशन की दुनिया में जाएं, हमको हर जगह भारत के सपूत मिलेंगे, भारत के सुपीरियर इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिनको भारत की मिट्टी ने जन्म दिया है। वो ये कह रही हैं टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इन लोगों ने यही नहीं इंडिया की पॉलिटिक्स को नहीं, इकोनॉमी को नहीं, इंडिया के पूरे देश के माहौल को नहीं, पूरे देश को नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो नक्शा है, पूरे नक्शा को यहाँ के लोगों ने प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है, एक तरह से या दूसरे तरह से, किस तरह से क्या है, आगे लिखते हैं कौन, पर्ल S.Buck, इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम। कहता है कि यही तो 1947 में आज़ादी मिली थी ना इंडिया को, ये तो स्वतंत्र हुई थी ना, उसके बाद ही कितने सपूतों को इन्हें जन्म दिया, उससे पहले तो जन्म दिया था, अंग्रेज़ों को भगाया था यहाँ के सपूतों ने मिलजुल कर, लेकिन आज़ादी के बाद की बात करें, स्वतंत्रता के बाद की बात करें दोस्तों, तो यहां के सपूतों ने काफी कम समय में इन लोगों ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिन्हें पूरे ग्लोब को, पूरे मानचित्र को, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया है इतने कम समय में। ओके, दे पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट, दे पुट टू गुड यूज, और वो जो अंग्रेज जो आए, अंग्रेज चले गए, उनने जो चीज़ अच्छा पाया उनका अच्छा यूज़ किया, दे हैव पुट टू गुड यूज़ द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट, इंग्लिश ने जो दिया, जो बेनिफिट्स इन लोगों को दिया और जो वो चला गया, तो इन बेनिफिट्स को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया यहाँ के लोगों ने, भारतीय लोगों ने, द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट मैंने पश्चिम,
पश्चिम का जो नॉलेज है वो द प्योर एंड एक्सक्विजिटली एनन्सिएटेड इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब। कहता है दोस्तों कि जो जो अंग्रेजों ने छोड़ा या जो उनको दिया द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, जो पश्चिम की पश्चिम का नॉलेज, पश्चिम की जानकारी, पश्चिमी देशों की जानकारी, द प्योर एंड एक्सक्यूजिटली एनन्सिएटेड, एक्सक्यूजिटली मैंने फाइनली बहुत बढ़िया से एनन्सिएट मैंने पता है क्लियर करना, क्लियर करना, स्पष्ट करना, एनन्सिएट द प्योर एंड एक्सक्यूजिट, एकदम प्योर शुद्ध और फाइनली एनन्सिएटेड, काफ़ी अच्छी तरह से एनन्सिएट किया हुआ, वर्णन किया हुआ इंग्लिश टंग, इंग्लिश टंग अंग्रेजी जुबान ऑफ मैन एंड वुमेन, औरतों के, महिलाओं के या पुरुषों के, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के पूरे दुनिया के दोनों तरफ, दोनों तरफ जो महिलाएं हैं, जो भी लोग हैं, इंडिया ने उनको उनको इस तरह के सपूत दिए हैं जो कि इंडिया के हर कोने में फैले हुए हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो वही बोल रहे हैं दोस्तों, उनको उनको जो अंग्रेज़ों ने एक जो चीज़ दिया इंग्लिश टंग, मतलब इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा, उनको काफ़ी महारत है, बहुतों को नहीं है जो फार्मर लोग हैं यहाँ के, अभी हम लोग उस बारे में बात करेंगे, फ़िलहाल सिर्फ ये है कि वो लोग अच्छी तरह से इस भाषा को इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्लोब विटनेस, कहते देखो, विटनेस करो, देखो किसको, देखो नेहरू विद हिम अ होस्ट ऑफ मैन, कहते नेहरू को देखो और उसके साथ कई लोगों को, होस्ट ऑफ मैन मैंने बहुत सारे झुंड जो नेहरू जी के साथ रहते थे उन सारे लोगों को देखो, लर्निंग हाउ टू गवर्न, किस तरह से उनने गवर्न करना, किस तरह से उनने गवर्नमेंट को चलाना, किस तरह से उनको गुड गवर्नेंस देना आता है, आता है गवर्न करना आता है, राज करना आता है। एंड द फर्स्ट वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, और पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो कि प्रेसिडेंट बनी, जो कि प्रेसिडेंट बनी किसका, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का क्या बनी प्रेसिडेंट, कौन थी दोस्तों, वो विजय लक्ष्मी पंडित, या नाम नहीं लिखा है, विजय लक्ष्मी पंडित थी जो सबसे पहले जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का क्या क्या बनी थी, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, रहेगा आपको याद, गुड, ओके। अ वुमन ऑफ इंडिया, वो कहाँ की थी, वो इंडिया की एक महिला थी, देखो छोटी सी उम्र में, आज देश की आज़ादी के छोटी सी उम्र में इंडिया ने कितने तरह के लोगों को जन्म दिया, कितने के सुपुत्रियों को जन्म दिया, कि पहला यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का पहला जो पहली जो महिला बनी राष्ट्रपति वो कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर्स, प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, और कोरिया में जो प्रिजनर एक्सचेंज जो कर रहे थे, कैदियों को जो अदला बदली कर रहे थे, उसका जो मेन चार्ज मिला हुआ था वो किसको मिला हुआ था, भारतीय मूल के, भारत के किसी जनरल को मिला हुआ था जिसका नाम था थिमैया, जनरल थिमैया, याद रखिएगा, जनरल थिमैया को ये ड्यूटी मिला हुआ था, चार्ज मिला हुआ था। हु वॉन्ट ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जिसने सब लोगों का ट्रस्ट, विश्वास जीत लिया जनरल थिमैया ने, ठीक है दोस्तों। इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्विजिशन एट होम एंड अब्रोड, कहते इवन द ब्लस्टरिंग, ब्लस्टरिंग मैंने दोस्तों एकदम फोड़ने वाला, काफ़ी जिसमें गुस्सा आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं किसी बात पर लोगों को गुस्सा नहीं आता है, ब्लस्टरिंग मतलब फूट पड़ेगा आप, उसी को बोलते हैं। कहता इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूजेशन एट होम, कहता घर पर, हम हमारे घर पर भारत में, कहता एक्यूजेशन इल्ज़ाम और गुस्सा वो भी जो आता है, एंड आर अब्रोड हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियंस, कहता घर में जो गुस्सा, जो भी गुस्सा है, जो इल्ज़ाम है, जो भी है, तो वो जो बाहर है, लोग जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उन लोग के जो कॉन्फिडेंस को है बिल्कुल भी डिगा नहीं पाया है, बिल्कुल भी हिला नहीं पाया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाया है। लोग तो घर में, लोग तो इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग गुस्सा भी होते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो रहते हैं उसके कॉन्फिडेंस में, उसके विश्वास में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, ओके। कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया, जो नया भारत बना है, इस नए भारत का कॉन्फिडेंस लूज
नहीं हुआ है. एंड दिस कॉन्फिडेंस, और यही कॉन्फिडेंस, यही विश्वास फाउंडेड इन अनयिल्डिंग आइडियलिज्म परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ. कहते यही जो कॉन्फिडेंस है फाउंडेड इन अनयिल्डिंग आइडियलिज्म, जो जो कि पाया गया है ना, एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन यिल्डिंग आइडियलिज्म, अनयिल्डिंग आइडियलिज्म, आदर्शवाद. अगर हम बात करें परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ, कहाँ चला गया दोस्तों, हाँ ठीक है, इंडिया. एंड दिस कॉन्फिडेंस, और यही जो विश्वास है, यही जो विश्वास है फाउंडेड इन अनयिल्डिंग आइडियलिज्म परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ. यही जो विश्वास है, ये जो विश्वास, आदर्शवाद, आदर्शवाद, आदर्शवाद के इस पर, आदर्शवादी किसी भी चीज़ को जो हम लोग आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, आदर्शवाद, आदर्श, ये जो कॉन्फिडेंस हमारा है आदर्शवाद की तरफ ले जाता है. और यही आदर्शवाद क्या करता है, परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ, और ये क्या करता है हमारे अंदर वर्ल्ड लाइफ को, दुनिया में लोग किस तरह जीते हैं वो जीने का सलीका हम में आ जाता है. हम इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि भारत ने काफ़ी काफ़ी कम समय में बहुत सारे सुपुत्रों सुपुत्रियों को जन्म दिया, जो बाहर की दुनिया में जाकर, जो बाहर की दुनिया में इंडिया को छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं और भारत का भी नाम रोशन कर रहे हैं. ओके दोस्तों, नंबर फिफ्थ, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया, व्हाट डिड आई गो, कहता क्या चीज़ है जो मैं इंडिया में जाऊंगा और देखूंगा, क्या देखूंगा, क्या है देखने के लिए इंडिया में, सवाल है. पर्ल S.Buck जो ऑथरेस हैं वो सवाल कर रही हैं कि मैं इंडिया जाऊंगी तो जाकर क्या देखूंगी, क्या देखने के लिए जाऊंगी, नॉट द ताज, नहीं बिल्कुल नहीं, ताजमहल देखने नहीं जाऊंगी. ऑल्दो आई डिड सी, हालांकि मैंने इसको देखा, मैं बिल्कुल जो जो देखने गया था, मैं जो देखने गई थी, ये कह रहे पर्ल S.Buck की, जो मैं जो देखने गई थी, क्या मैं ताजमहल को देखने गई थी, नहीं, लेकिन मैंने ताजमहल को भी देखा. आई डिड सी इट एंड बाई मून लाइट, और कहता मैंने इसको चांदी रात में देखा, क्योंकि चांदी रात में ताजमहल की खूबसूरती चौगुन्नी हो जाती है. एंड फतेहपुर सिकरी, और वहाँ फतेहपुर सिकरी भी है आगरा में, ओके, जहाँ कोई कोई किला है, जो अच्छा सा फोर्ट है, वहाँ भी वो देखने के लिए गई. ऑल्दो आई डिड सी इट, हालांकि मैंने इस फतेहपुर सिकरी को भी देखा, मैं फतेहपुर सिकरी देखने के लिए नहीं गई थी लेकिन मैंने उसको भी देखा. एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और मैं जो न्यू दिल्ली में जो ग्लोरीज हैं, जो सल्तनत थी, एम्पायर था, उसके जो ग्लोरीज हैं, उसके जो शान शौकत हैं, उसका जो दबदबा था, जो भी रहा होगा, उसको भी देखने के लिए नहीं गई थी. ऑल्दो आई डिड सी देम, हालांकि मैंने उसे भी देखा. कहते कि ताजमहल देखने नहीं आई थी, ये फतेहपुर सिकरी देखने नहीं आई थी, ये नई दिल्ली की जो सल्तनत थी, जो हुकूमत थी, उसकी जो शान शौकत थी, उसका जो दबदबा था, उसको भी देखने के लिए नहीं आई थी, फिर भी उनने देखा, तीनों को देखा. ओके गुड, आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू द ग्रुप ऑफ पीपल. कहता मेरे मेन इंडिया आने का मकसद, पर्ल S.Buck का इंडिया आने का मकसद क्या था, क्या मकसद था, आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. सिर्फ दो ग्रुप्स, दो समूह, लोगों के दो समूह से मैं मिलने के लिए इंडिया गई थी, ना मैं ताजमहल देखने गई थी, ना मैं फतेहपुर सिकरी देखने गई थी, ना मैं दिल्ली के सल्तनत का दबदबा और शान शौकत देखने गई थी. हालांकि मैंने उसको देखा ज़रूर, लेकिन मेरा जो मेन मकसद था देखने का, इंडिया को विजिट करने का, वो क्या था, वहाँ के दो ग्रुप से मिलना था. कौन कौन सा ग्रुप, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़. कहता शहरों में जो सबसे यंग, छोटे जवान जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन लोगों से मिलना. एंड पीजेंट्स इन द विलेज, और गांव के उन लोगों से मिलना, उन ग्रुप से मिलना जो कि फार्मर्स हैं, जो कि पीजेंट्स हैं, जो क्या करते हैं, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उन लोगों से मिलना. और इस बुद्धिजीवियों से मिलना जो कि यंग हैं, जवान हैं, जो इंडिया में अभी अभी है ना, जवान हैं. ओके, दो ग्रुप से मिलने के लिए गए थे, यंग इंटेलेक्चुअल्स और दूसरा क्या है, विलेज फार्मर्स, विलेज पीजेंट्स. ठीक है दोस्तों, गुड. दीज आर मेट इन लिटिल रूम्स इन द सिटी. कहते इन लोगों को मैं कहाँ मिला, छोटे छोटे कमरों में मिला, कहाँ,
शहर में मिला, है ना, इन लिटिल हाउसेस इन द विलेज. और मैं किसानों से कहाँ मिला, छोटे छोटे घरों में मिला. कहाँ मिला, विलेजेस में, गाँव में. क्लियर. एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम. और मैंने उनके प्लान सुने, उनकी योजनाएं सुनी, उनके इरादे सुने. किसको लेकर के, आज़ादी को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के. कहते हैं दोस्तों कि जब पर्ल एस.बक आई थी तब अंग्रेज लोग यहाँ से नहीं गए थे, है ना, ओके, या गए थे. एक बार देख लेते हम लोग. हाँ, कहाँ चला गया. ओके, लिटिल हाउस इन द विलेज एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम. तो वो कहते हैं कि हम उन लोगों से मिले, हम दो ग्रुप से मिले. क्यों मिले, हम ताजमहल सब देखने नहीं आए थे, हम देखने दो दो लोगों को आए थे. इन यंग बुद्धिजीवी जो यंग थे अभी, और दूसरे क्या थे, फार्मर्स. हम जानना चाहते थे कि उनका जो प्लान था, उनकी जो योजना थी अंग्रेजों को भगाने में, किस तरह से उन्हें योजनाएँ बनाई थी, किस तरह से उन्हें प्लान किया था, आज़ादी के लिए प्लान किया था. ये चीज़ वो पर्ल एस.बक जानना चाहती थी. उसके इंडिया आने का, इंडिया विजिट करने का मेन मकसद यही था कि ये दो ग्रुप के लोगों से मिले और ये बात जान पाए कि वो लोग आज़ादी को प्राप्त किस तरह से करना चाहते थे. ओके, ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल. पहले से ही इंटेलेक्चुअल्स लोग, बुद्धिजीवी लोग ये बिलीव करते थे, ये मानते थे कि दूसरा वर्ल्ड वॉर तो बिल्कुल पक्का है, इनएविटेबल, नॉट अवॉइडेबल. हम दूसरे वर्ल्ड वॉर को अवॉइड नहीं कर सकते, होगा ही. वो लोग ऐसा मान रहे थे. इनएविटेबल माने दोस्तों वो सिचुएशन या हाल या अच्छी घटना जिसको हम टाल नहीं सकते, इनएविटेबल होना ही है. तो वो लोग कह रहे थे, बुद्धिजीवी लोग, कि दूसरा वर्ल्ड वॉर होगा ही. दे हैड बिन बिटरली डिसअपॉइंटेड. वो काफ़ी बुरी तरह से, काफ़ी तीखे रूप से, काफ़ी बिटरली वो लोग क्या हो गए थे, निराश हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो लोग काफ़ी निराश हो गए थे, काफ़ी निराश हो गए. इसमें जान माल की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी. They had been bitterly disappointed after the First World War by what they felt were the broken promises of the England. जो वो लोग मान रहे थे ये क्यों हुआ, ये सिंपली अंग्रेज जो इंग्लैंड है उन्हें धोखा किया, उन्हें वादे तोड़े. ब्रोकन प्रोमिसज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के ब्रोकन प्रोमिसज, टूटे वादों की वजह से ये वर्ल्ड वॉर हुआ. अगर अंग्रेज इसको अपने वादे को पूरा कर देते तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं होना था. क्लियर. ओके, द इंग्लिश द डिक्लेयर्ड, और इंग्लिश लोग दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पज टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल. और वो लोग मानते थे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो डिक्लेयर है ना, अंग्रेज लोग मानते थे और उन लोगों का कोई रियल पर्पस, कोई रियल जो है वास्तविक कोई जो पर्पस, इरादा, जो मतलब था, कोई मतलब नहीं था कि वो लोग इंडिया को उसके लोगों को सौंप दे, रजिस्टर कर दे, वापस कर दे. ठीक है, ये लोगों का मानना था, इन ग्रुप्स का, इन बुद्धिजीवियों का, कि अंग्रेज लोग इंडिया को, इंडिया के लोगों को वापस नहीं करने वाले. आई कुड बिलीव इट. मुझे भी इस बात पर यकीन था. कौन कह रही है, पर्ल एस.बक. मुझे भी इस बात, आई कुड बिलीव इट फ्रेश एज आई वॉज फ्रॉम चाइना. कहता चूंकि मैं चाइना से बिल्कुल फ्रेश न पहली बार आई थी. वेयर द पीरियड ऑफ पीपल्स ट्यूटलेज सीम्ड एंडलेस एंड सेल गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी एयर. कहता है कि जहाँ पर वो चाइना की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पर पीरियड ऑफ पीपल्स ट्यूटलेज, कहता कि पीपल को आप ट्यूटलेज मैंने होता है दोस्तों, जहाँ कोई चीज़ इंसान सिखाया जाता है उसको ट्यूटलेज बोलते हैं. जो लोगों को सिखाने की जो जगह होती है उसका जो पीरियड है ना, सीम्ड एंडलेस. ऐसा लग रहा था कि उसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब लोगों को वहाँ सिखाया जाता था. एंडलेस एंड सेल्फ गवर्नमेंट, और स्वायत्त शासन, सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर. हर साल क्या होता था, इस बात का ध्यान दिया जाता था. कहाँ, चाइना में. ओके दोस्तों, क्या ध्यान दिया जाता था, कि लोगों को ट्यूटलेज के द्वारा सिखाया जाता था और बिल्कुल सीमेंटलेस,
ऐसा नहीं कि एक दो दिन सिखाया, हमेशा के लिए एंडलेस तरीके से सिखाया जाता था। एंड सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी, स्वायत्त प्रशासन के बारे में भी। व्हेन यू आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, जब तुम आज़ादी के लिए तैयार हो, स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो। हाँ, कंकरर्स हैव ऑलवेज सेड, जीतने वाले हमेशा कहते हैं, कंकरर्स मैंने जीतने वाले, विजेता, हैव ऑलवेज सेड, हमेशा कहे हैं टू देयर सब्जेक्ट्स एसेट्रा, वो लोग हमेशा अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं क्योंकि वो लोग जीतते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हु इज टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम्स, सब बोलते हैं आज़ादी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो जो क्षण है, वो जो लम्हा है, आज़ादी का जो लम्हा है, वो कब आएगा, आज़ादी का जो पल है वो कब हमको मिलेगा, वो कब हमको नसीब होगा। व्हेन, बट हु इज़ टू डिसाइड, लेकिन कौन ऐसा फैसला करेगा, डिसाइड करेगा कि व्हेन द मोमेंट कम्स, कि वो जो क्षण है, वो जो पल है आज़ादी का, वो कब आएगा। एंड हाउ कैन पीपल लर्न, और पीपल किस तरह से सीखेगा, हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न themselves, स्वयं को गवर्न करना, स्वयं को रूल करना किस तरह से सीखेगा कोई इंसान, एक्सेप्ट बाई डूइंग इट, जब तक कि वो इसको करेगा नहीं, जब तक अमल नहीं करेगा तब तक मुश्किल है, तब तक वो खुद को गवर्न नहीं कर पाएगा। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, अतः इसलिए जो इंडिया में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वर रेस्टलेस, काफ़ी बेचैन थे, एंड एम्बिटेड, और काफ़ी मतलब दुख में थे, काफ़ी उनका जो लहजा था काफ़ी कड़वा हो गया था, काफ़ी रिजेंटफुल थे, काफ़ी डिस्प्लेजर था उसमें, काफ़ी नाखुशी थी उसमें, है ना, काफ़ी उसको नफरत सी हो गई थी। एम्बिटेड मैंने कड़वा हो जाना, हेटफुल हो जाना, है ना, बिल्कुल डिस्प्लेजर दिखाना, नाखुशी जाहिर करना। In India, were restless and embittered, and I sat through hours, और मैं घंटों घंटों तक बैठता था, watching their flashing dark eyes, उनके चमकते हुए काले आँखों को, गहरी आँखों को मैं क्या करता था, देखता था। And hearing the endless flow of language, और मैं सुनता था कि hearing एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की जो फ्लुएंसी थी, जो बोलते थे वो लोग, एकदम रुकने का नाम नहीं होता था, एकदम बिल्कुल एंडलेस फ्लुएंसी होती थी, बिल्कुल चलती रहने वाली फ्लुएंसी होती थी, रुकते नहीं थे। द प्योरेस्ट इंग्लिश, एकदम खांटी, सच्चा, शुद्ध, एकदम शुद्ध इंग्लिश बोलते थे, इन टू विच दे पॉड देयर फीलिंग्स, और जिसमें वो, जिस बोलचाल में वो जो अंग्रेजी बोलते थे धारा परवाह, उसमें वो सारे के सारे इमोशंस को, सारे के सारे फीलिंग्स को क्या करते थे, उसमें उंडेल देते थे, पॉर कर देते थे। क्लियर, मतलब यहाँ के लोगों को अंग्रेजी बोलना अच्छी तरह से आता था, वो सारे अपने भावनाओं को अपने भाषा में क्या क्या करते थे, अंग्रेजी भाषा में क्या करते थे, व्यक्त कर देते थे। ओके दोस्तों जी, चलिए, द प्लान देन वाज दैट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, लेकिन जब वो जो प्लान है, वो जो योजना है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, शुरू हो गया, ब्रोक, इंडिया वुड रिबेल इमीडिएटली अगेंस्ट इंग्लैंड। ऐसा लगा कि इंडिया क्या, भारत के लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, रिवेल करेंगे, ना बगावत करेंगे इमीडिएटली अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल वो लोग बगावत पे बागी हो जाएंगे। एंड कॉम्पेल हर, और उसको मजबूर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स मजबूर करना दोस्तों, बाय दिस कॉम्प्लिकेशन, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो क्या करेंगे, उसको मजबूर करेंगे टू सेट हर फ्री, ताकि जो अंग्रेज लोग हैं वो इंडिया को क्या कर दे, फ्री कर दे, आज़ाद कर दे। कब ऐसा हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसा सोचा गया था, ऐसा प्लान था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे चालू होगा तो ये लोग क्या करेगा, अंग्रेज़ों को हुकूमत के खिलाफ रिबेल करेगा, बलवा करेगा, बागी बन जाएगा, तब जाकर अंग्रेज लोग क्या करेगा, इसको आज़ादी देगा। ओके, दे वुड नॉट बी फोर्स्ड, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, मजबूर किया नहीं जाएगा, एज दे डिक्लेयर्ड दे हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू
fight at England's command, है ना? They would not be forced, उन लोगों को force नहीं किया जाएगा, as they declared they had been in the First World War, जैसा कि उन्हें बताया, declare किया कि वो लोग पहले वर्ल्ड वार में भी थे, they had been in the First World War to fight at England's command, क्योंकि तब वो इंग्लैंड के इशारे पर, इंग्लैंड के हुकुम से, इंग्लैंड के आदेश से क्या करते थे, फाइट कर रहे थे. ओके दोस्तों, वेरी गुड. एंड देन, और फिर तब, और फिर तब यंग इंडिया सिर प्राउडली, तो फिर यंग इंडिया ने, जो जवान इंडिया है, वो क्या किया, प्राउडली कहा, फख्र से कहा, गर्व से कहा, वी विल आवर सेल्फ डिसाइड वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड. फिर उन्होंने कहा कि हम लोग फैसला करेंगे, हम लोग तय करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे खुद से, आवर सेल्फ खुद से, कि क्या हम चाहते हैं कि हम इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड की साइड से लड़ें या उसके खिलाफ लड़ें, या हम लोग फैसला करेंगे. पॉइंट 9, व्हाट दे डिड नॉट रिकॉन ऑन, जो कुछ कि उन लोगों ने नहीं गिना, जो कुछ कि उन लोगों ने रिकॉन नहीं किया, क्या था वो, when the time came, जब वक्त आया, was the savagery of Nazism and the aggression of Japan in Asia. कहते कि जब savagery मैंने होता है दोस्तों, barbaric act, है ना, बर्बरता, जब Nazism का, Nazism बोलते दोस्तों वो पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी, Nazism जर्मनी में, है ना, the savagery of Nazism and the aggression of Japan in एशिया में जापान का जुल्म, एग्रेशन बढ़ता गया, और वहाँ सेवजरी ऑफ नाजिज्म की बर्बरता, हिटलर की बर्बरता, जब ऐसा टाइम आ गया, व्हेन दे परसीव दैट दे मस्ट चूज बिटवीन द एक्सिस एंड द इंग्लैंड, जब लोगों को परसीव हुआ, पता चला, मालूम हुआ कि दे मस्ट हैव चूजन, दे मस्ट चूज, उनको पक्का चूज चुनना चाहिए बिटवीन द एक्सिस एंड द इंग्लैंड, एक्सिस और इंग्लैंड के बीच में क्या चुनना चाहिए, उन लोगों को पहले ही चुन लेना चाहिए. दे चोज द इंग्लिश, उन लोगों ने किसको चुना, इंग्लिश को चुना, अवेयर दैट इन स्पाइट ऑफ मैनी इनजस्टिसेज दे वर चूजिंग बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन. कहते कि इंग्लिश को चुना, क्यों चुना, चूंकि इंग्लिश लोग क्या थे, अवेयर थे इन स्पाइट ऑफ मैनी इनजस्टिसेज, कहते हैं कि बहुत से अन्याय, इनजस्टिस में अन्याय, बहुत से अन्याय के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मैनी के बावजूद, बहुत से अन्याय के बावजूद भी वो लोग, अंग्रेज लोग अवेयर थे, होशियार थे, दे वर चूजिंग बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, वो लोग चुनना जानते थे, वो लोग फर्क करना जानते थे किसमें, बर्बरता और सभ्यता के बीच, असभ्यता और सभ्यता के बीच. ओके, दे पोस्टपोन्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, उन लोगों ने जो अपना प्लान है पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया आज़ादी के लिए. गांधी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क, गांधी ने इस बीच में अपना काम करते हुए, विद इन हिज ओन कंट्री, अपने ही देश में क्या किया, अनटिल द वार वॉज ओवर, जब तक कि वार ख़त्म नहीं हो गया, एंड बाय देन, और तब तक द वाइजेस्ट माइंड्स इन इंग्लैंड, कहता कि इंग्लैंड के जो सबसे अच्छे दिमाग हैं, जो सबसे वाइजेस्ट माइंड है, सबसे ज़्यादा अकलमंद है, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड, वो जो दुनिया को समझता है, जो नई दुनिया को समझता है, रिटर्न इंडिया टू हर पीपल, वो इंडिया को वापस आता है ना, अपने लोगों के पास, इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन फ्रॉम इंग्लिश मैन, और बहुत सारे अपोजिशन के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड, कहते इंग्लिश, अंग्रेज़ों से बहुत सारे ना विरोध के बावजूद, मैन एंड अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया टू नो व्हाट विजडम वाज, ठीक है, इस बार अपोजिशन फॉर्म इंग्लिश मैन and not even kahan chala gaya bhai man and others who did not have sufficient understanding of asia to know what wisdom was kahan pakad mari
Okay. In spite of opposition from Englishmen and others who did not have sufficient understanding of Asia to know, कहते कि in spite of opposition, कहते कि अंग्रेजों से, अंग्रेज लोगों से हमको क्या मिला, विरोध मिला, in spite of opposition from Englishmen and others, अंग्रेजों और दूसरे से हमको विरोध मिला, क्या मिला, opposition मिला, who did not have sufficient understanding of Asia, जिनको कि प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में एशिया और है ना एशिया और डोंट हैव एशिया टू नो द विजडम ऑफ अस, हाँ एशिया के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया, एशिया के बारे में जो है उनका सफिशिएंट, काफ़ी सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं था, है ना, व्हाट विजडम वाज, वो नहीं जानते थे कि विजडम क्या है, वो बुद्धि क्या चीज़ है. Not even Churchill's prophecy of bloodbath. नहीं चर्चिल का जो मानना था, चर्चिल का जो फोरकास्ट था किसके बारे में, bloodbath के बारे में, खून फसाद के बारे में, कि खून फसाद करने के बाद ही कुछ मिलेगा, partly fulfilled at that, कुछ फुलफिल होता है, कुछ पूरा होता है, could prevent the inevitable, है ना, could prevent, रोक सकता था, रोका था किसको, इनएविटेबल को, इनएविटेबल मैंने होता है दोस्तों, मतलब वो चीज़ जिसको हम टाल नहीं सकते, पार्टली फुलफिल एट दैट कुड प्रिवेंट द इनएविटेबल. इंग्लिश मैन एंड अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया टू नो व्हाट विजडम वाज, नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ पार्टली फील्ड एट दैट कुड प्रिवेंट द इनएविटेबल. कहता है कि जो चर्चिल ने जो प्रोफेसी दिया था, जो 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 कहा था कि खून और फसाद एक रास्ता है, तो ये रास्ता भी सही नहीं है, जो खून फसाद करके कुछ होने वाला है नहीं. ओके एज फुल, हाँ ठीक है, इनेविटेबल, इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड, इंडिया ने ऐसा नहीं कहा, चर्चिल ने एक प्रोफेसी दिया था कि इंडिया को आज़ादी चाहिए ना अंग्रेज़ों से, खून फसाद ब्लड बाथ इसके बिना नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया ने क्या किया, वेट किया, भारत ने वेट किया, वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड, जितना हो सका इंडिया ने वेट किया, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, किससे, अंग्रेज़ों से. कहाँ चला गया, हाँ वेट किया, एंड peasants and intellectuals were on the same side in the invincible combination. और यही नहीं बल्कि वहाँ के किसान, भारत के किसान और बुद्धिजीवी लोग were on the same side, एक ही तरफ थे, एक ही बात को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, है ना, in the old invincible combination, वो जो पुराना जो invincible combination था, जो उन लोगों का जो मेल था, उन लोगों का जो संग, एक तरह का क्या था, जो जो वो लोग मिल गए थे, उन लोगों का जो मानना था, है ना, क्या मानना था, कि वर ऑन द, हाँ वो लोग चाहते थे कि थोड़ा वेट कर लिया जाए, बलद बात खून फसाद से कुछ नहीं होने वाला, तो वही चीज़ थी कि ऑन द सेम साइड वो लोग एक ही तरफ थे, एंड इन ऑल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, और ये बिल्कुल एक इनविंसिबल जो जीता ना जा सके, अजय इनविंसिबल कॉम्बिनेशन था. ओके, इट वॉज गांधी स्ट्रेंथ, ये गांधी की ताकत थी, दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली, जो कि उसको बना दिया, दुनिया को लोग जान लिया, दुनिया ने जान लिया कि है ना गांधी जी का की जो ताकत है वो क्या चीज़ है, गांधी स्ट्रेंथ एंड मेड हिम नो वेरी अर्ली दैट बोथ पेजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स मस्ट बी वो वॉन टू वर्क. कहता है कि उसकी जो गांधी जी की जो क्या बोलते स्ट्रेंथ है वो है क्या, कि लोग उसको क्या वेरी वेरी अर्ली
that both peasants and individuals must be want to work together for the country. कहता है कि दोनों को एक साथ मिलकर के काम करना, किसको? पेशेंट्स को, सॉरी पीजेंट्स को, किसान को और बुद्धिजीवियों को मिलकर के एक साथ काम करना चाहिए. His hold was equally strong upon both. कहता उसका जो hold है, जो गांधी जी का जो hold था, क्या था? जो उसकी पकड़ थी equally strong upon both, दोनों पर काफ़ी मजबूत थी, है ना. एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड, और यही कारण है कि उसको अपनी कामयाबी मिल गई जो वो चाहता था. विदाउट वॉर, लड़ाई के बिना, परहैप्स वी अमेरिकन्स डू नॉट येट फुल्ली अंडरस्टैंड, शायद हम ये कह रहे हैं पर्ल S.Buck कि शायद हम perhaps we Americans do not yet fully understand, हम लोग पूरी तरह से अब भी इस बात को समझे नहीं हैं कि the great lesson that India has to teach. कहते ये सबसे बड़ा सबक जो इंडिया को सिखाना है, इंडिया हैज़ टू टीच, इंडिया को टीच करना है, बताना है किसको, इन दस विनिंग हर फ्रीडम, कि उसने आज़ादी को जीतने में, आज़ादी को लेने में किस तरह से उनने काम किया. ये सारे के सारे लेसन दूसरों को लेना चाहिए हमसे. बिसाइड हर माइटी ट्रायम्फ ऑफ द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, कहता है कि जो इतनी बड़ी जीत थी महात्मा गांधी की, जो कि ब्लडलेस थी, क्या थी? रक्तहीन क्रांति थी, रिवॉल्यूशन रक्तहीन क्रांति थी. आवर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक्स इन साइज एंड कॉन्सेप्ट, कहता है कि हमारा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो हमारा आज़ादी की जो हमारी लड़ाई है, श्रिंक्स इन साइज एंड कॉन्सेप्ट, सिकुड़ जाता है साइज में भी और कॉन्सेप्ट में भी. इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, भारत ने जो है इंसान को एक इंसानियत का पाठ पढ़ाया है. And it is to our peril if we do not learn it. और यह हमारी कमजोरी होगी कि अगर हम इस चीज़ को नहीं सीखें. The lesson, सबक, कैसा सबक सवाल कर रहा है, that war and attain it are of a peace with it and also noble. तो कह रहे कि the war and killings, कहाँ चला गया दोस्तों, हाँ, द लेसन द वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, कहता है कि जो ये वार है, ये जो लड़ाई है और ये जो मारकाट है, किलिंग हत्या है, ये सब क्या है? अचीव नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं होता इससे, कुछ भी नहीं मिलता इससे, बट लॉस, सिर्फ और सिर्फ हानि होती है, लॉस मिलता है, नुकसान होता है. एंड दैट ए नोबल एंड इज अश्योर्ड, और एक जो अच्छा जो अच्छी जो अंत है, अच्छा जो अंत है ना, अश्योर किया जाता है, पक्का किया जाता है, ओनली इफ द मीन्स टू अटेन इट आर ऑफ ए पीस विद इट एंड ऑल्सो नोबल, कहता है कि यह पक्का तब हो सकता है जब इफ द मीन्स टू अटेन इट, जबकि मीन्स मैंने सोर्सेज, जरिया, किसका जरिया? मीन्स टू अटेन, प्राप्त करने के लिए. एंड दैट इज नोबल एंड अश्योर ओनली इफ द मीन्स टू अटेन इट आर ऑफ ए पीस विद इट एंड ऑल्सो नोबल. तो कहते हैं दोस्तों कि जो कुछ दैट नोबल एंड अश्योर्ड बाई, जो अच्छा जो अंत है वो होगा, विश्वास दिलाया जाएगा, ओनली इफ, यदि, सिर्फ यदि द मीन्स टू अटेंड मतलब अटेंड मतलब प्राप्त करने का जो जरिया है, इट किसको, इसी को, आज़ादी को, आर ऑफ ए पीस विद इट, एक क्या हो, एक पीस हो, एक टुकड़ा हो इसमें से, एंड ऑल्सो नोबल, और वो क्या हो, नोबल हो, उम्दा हो, पाक हो, पवित्र हो. नंबर 10, द रियल इंडिक्टमेंट, दोस्तों ये इंडिक्टमेंट नहीं है,
ये इंडिक्टमेंट नहीं, ये इंडाइटमेंट लिखा जाएगा बट पढ़ा जाएगा इंडाइटमेंट. इंडाइटमेंट मैंने होता है इल्ज़ाम, चार्ज. द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट कॉलोनलिज्म, उपनिवेशवाद. उपनिवेशवाद जब कोई कोई लोग आकर के कहीं जा आकर के अपने अपना कब्जा कर लेता है, उपनिवेश चलाता है, कॉलोनी बना लेता है और सबका सब जितना भी उसका पैसा होता है सब अपने पास लेता है, इसको इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद, मीन्स कॉलोनियलिज्म. द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट कॉलोनलिज्म कहता है कि बिल्कुल एक सच में एक है ना जो चार्ज है, जो जो इल्ज़ाम है किसके खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या है. हाउवर वॉज टू बी फाउंड इन द विलेजेज ऑफ इंडिया, ये जैसा कि इंडियन विलेजेस में भारतीय गांव में ऐसा पाया जाता है. देर वॉज रॉट एट द टॉप, कहते ऊपर जो है टॉप में सब कुछ सरा हुआ है. देर वॉज रॉट एट द टॉप टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स, टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स. कहते यही नहीं, हजारों जो छोटे छोटे यंग जो जवान बुद्धिजीवी हैं उसके लिए है ना, ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब्स. इन सारे हजार हजार यंग माइंड्स को स्कूल में सिखाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है किसके लिए, जॉब के लिए, किसके लिए, जॉब के लिए. एंड डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज, सिर्फ सिविल सर्विसेज को छोड़कर, सिर्फ लोक सेवा को छोड़कर, सिविल सर्विसेज लिमिटेड जो कि लिमिटेड है, सीमित है, उसमें सीमित लोगों को लेना है. पकड़ में आ रही आपको, कहता है कि जो कॉलोनियलिज्म है दोस्तों उसके खिलाफ एक चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, एक इल्ज़ाम है. क्या इल्ज़ाम है कि हावर वॉज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन विलेजेस में पाया जाता है. देर वॉज नॉट एट द टॉप, कहते हैं ऊपर जाने की जरूरत नहीं है टॉप पे, टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स आना ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब्स that did not exist except in the limited sources. कहते इतने लोगों को पढ़ाना, इतने लोगों को पढ़ाना सिखाना जॉब के लिए, जबकि जॉब है ही नहीं है, कहाँ जॉब है. उस ज़माने में जब लोगों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था जॉब के लिए, तो जॉब था कहाँ, सिर्फ वही लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विसेज था, और ज़्यादा जॉब था नहीं. वो वही बोल रहा है ये. कहाँ चला गया, ओके. Will not accept in the limited civil services. The towns and cities were frothing with unhappy young men. कहते हैं कि टाउन और सिटीज, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, सिटीज वर फ्रॉथिंग विद अनहैप्पी यंग मैन. कहते हैं कि वहाँ के जो लोग थे, वो जो वहाँ के जवान लोग थे, वो सारे के सारे क्या क्या हो रहे थे, नाखुश हो रहे थे, अनहैप्पी हो रहे थे. क्यों हो रहे थे, चूँकि वो जॉब्स नहीं दे पा रहे थे, जॉब्स लिमिटेड था. एंड सिटीज वर फ्रॉथिंग विद अनहैप्पी यंग मैन, कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड, जो सब भी थे और काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, हु कुड फाइंड नो जॉब्स, जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी, एंड वर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम, और ना ही वो अलाउ करते थे, ना ही वो इजाज़त देते थे क्या करने के लिए, बाई द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर, वो जो सुपर स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट थी, वो जो एम्पायर बना था, वो उसको क्रिएट करने, जॉब को क्रिएट करने के मन के मूड में नहीं थे, ना ही वो जॉब क्रिएट कर रहे थे, ना जॉब क्रिएट करने के मूड में थे. ये सारी बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पर्ल एस बग जो मोहतरमा हैं, वो जो साहिबा हैं, वो जो ऑथरेस हैं जिन्हें लिखा है, वो ये बात कह रही हैं कि उन्हें इंडिया में क्या क्या देखा, कैसे कैसे क्या क्या किया, वही सारी बातें हैं. तो वही कह रहे हैं कि द
द टाउन्स एंड सिटीज वर फ्रॉथिंग विद अनहैप्पी यंग मैन, कहते उसमें नाखुश जो जवान लोग थे पनप रहे थे, बिल्कुल बबलिंग कर रहे थे, बबल कर रहे थे, और जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी वो लोग कल्चर्ड थे और वेल एजुकेटेड थे. हु कुड फाइंड नो जॉब्स, जिसके पास नौकरियाँ नहीं थी, एंड वर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपरस्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम, और वो जो वहाँ का जो गवर्नमेंट था, जो सुपरस्ट्रक्चर था, उसको भी इसको पैदा करने में, नौकरियों को देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी. बट द रियल प्रूफ ऑफ एविल, लेकिन कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि रियल प्रूफ ऑफ एविल, खराबी का, एविल का, बुराई का जो प्रूफ है, जो सच प्रूफ है, जो रियल प्रूफ है, वो क्या है? आई से अगेन, मैं फिर कहती हूँ, ये बोल रही है, मैं फिर कहती हूँ कि बुराई का जो है, जो एविल है, उसका प्रूफ, सच प्रूफ क्या है? आई से अगेन वॉज इन द मिजरेबल विलेजेस. जब मैं गांव में गई, मिजरेबल विलेजेस में गई, तो वहाँ मुझे पता चला कि यार यहाँ किस तरह से जीवन व्यतीत किया जाता है. नौकरियाँ तो वैसे भी नहीं हैं, जो पढ़े लिखे उन लोगों के लिए नौकरियाँ नहीं हैं, तो ये जो गांव में जो किसान लोग हैं, पीजेंट्स लोग हैं, इन लोगों के लिए किस तरह से नौकरी होगी? ये तो काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में रहेंगे, मिजरेबल विलेजेस में रहेंगे. कहते दोस्तों, आई थॉट आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना. मेरा मानना था, कौन कहती है, पर्ल एस.बक कहती है कि मेरा मानना था कि हमने जो पॉवर्टी है वो चाइना में देखी है, हमने देखा है कि चाइना में किस तरह की गरीबी है. येट व्हेन आई सॉ द इंडियन विलेजेस, लेकिन फिर भी जब मैं भारतीय गांव को देखता हूँ, आई न्यू दैट द चाइनीज पेजेंट्स वॉज रिच इन कंपेरिजन. तब मुझे कहना पड़ता है कि चाइनीज़ का जो में जो गरीबी थी, वहाँ के जो वहाँ के गरीब किसान थे, यहाँ के किसानों से गरीब नहीं थे, बल्कि यहाँ के किसानों से अच्छे पोजीशन में थे, अच्छे स्थिति में थे. ओके, वो लोग अमीर थे, रिच थे. ओनली द रशियन पेजेंट आई हैड सीन एयर्स बिफोर, कहता सालों पहले जब मैंने रशिया में वहाँ के किसानों को देखा था, कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर्स, हम उसकी तुलना भारतीय लोगों से, उन लोगों से जो कि देहातों में, विलेजेस में रहते हैं, उनसे हम कर सकते हैं. अल्दो दैट, हालांकि दैट रशियन वॉज ए वेरी डिफरेंट क्रिएचर, अगर कहा जाए तो रूस के लोग काफ़ी अलग तरह के प्राणी हैं, एंड इंटीरियर इन मैनी वेज, और इन्फीरियर और काफ़ी रास्तों में, कई तरीकों में वो काफ़ी नीच हैं, इन्फीरियर हैं, कम हैं, लो हैं. फॉर द इंडियन पेजेंट्स वाज लाइक द चाइनीज, अब जैसा कि हम अगर भारतीय किसानों की बात करें, पेजेंट्स की बात करें, तो वो लोग चाइनीज़ किसानों की तरह से थे. इन बीइंग अ पर्सन इनेटली सिविलाइज्ड, वो जो यहाँ के लोग थे, इनेटली जन्मजात पहले से वो लोग क्या थे, सिविलाइज्ड थे, महजब थे, और वो उनमें बिल्कुल सभ्यता भरी हुई थी, सब थे वो लोग. कौन लोग? भारत के किसान. द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन लाइफ एंड प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिलीजन्स हैड शेप्ड हिज माइंड एंड सॉल, कहते इन लोगों का दिमाग, सॉल और माइंड, दिल और दिमाग, हर तरह से बिल्कुल क्या क्या बना दिया गया था, शेप किया गया था, किसके द्वारा? प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिलीजन्स, काफ़ी गहरे जो धार्मिक जो सोच है, धार्मिक जो विचार हैं, उस धार्मिक विचार ने इनके दिल और दिमाग को, माइंड और सोल को अच्छी तरह से शेप किया था, अच्छी तरह से बनाया था. किसके? फार्मरों के, पीजेंट्स के. द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ, कहता है कि संगठित मानवीय जो जीवन है, फैमिली लाइफ, पारिवारिक जो जीवन है, जो संगठित है, ये काफ़ी क्या बोलते हैं, नर्चरिंग है,
काफ़ी मैच्योरिंग कल्चर है, काफ़ी मैच्योर होता जा रहा है, और यहाँ के भारत के जो किसान हैं काफ़ी मैच्योर हैं, उनकी फैमिली मैच्योर है, और वो उसके अंदर का जो सभ्यता है, वो जो सब हैं वो उसके अंदर जन्मजात से अंदर से भरा हुआ आता है, वो काफ़ी सब हैं, काफ़ी सभ्यता को मानते हैं और सब रहना पसंद करते हैं. ओके सॉरी. इवन दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, कहता कि अगरचे वहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो अंदर से जन्मजात रूप से सब हैं, सब देखते हैं, सब तरीके से बात करते हैं, सब तरीके से बिहेव करते हैं. कौन कह रही हैं? पर्ल एस बक कह रही हैं इंडिया के किसानों के बारे में. क्लियर है? गुड. ओके. एंड द चिल्ड्रेन, द लिटिल चिल्ड्रेन एंड द चिल्ड्रेन, अगर हम बच्चों की बात करें, द लिटिल चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस, छोटे छोटे बच्चे जो कि भारतीय गांव में रहते हैं, हाउ दे टोर एट माई हर्ट, कहते कि किस तरह से इन बच्चों ने मेरे दिल को बिल्कुल चीर दिया, टीयर कर दिया, फाड़ दिया. कैसे चीरा? थिन बिग बेलीड, पतले दुबले, काफ़ी पतले दुबले, बिग बेलीड, बड़े बड़े पेट, एंड ऑल विद ह्यूज एंड सैड डार्क आइज, और जिनकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी लेकिन काफ़ी अंदर को घुसी घुसी, काफ़ी डार्क, ह्यूज सैड डार्क आइज, काफ़ी गंभीर आंखें, दुख भरी आंखें. आई वंडर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन, कहाँ चला गया, आई वंडर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम नॉट अक्यूज हिमसेल्फ एंड नॉट अक्यूज हिमसेल्फ, कहता कि कोई भी अंग्रेज, कोई भी इंग्लिशमैन अगर इन बच्चों को देखेगा, बड़े पेट, पतला दुबला, आंखें घुसी हुई, तो तू जो है, एनी इंग्लिशमैन कुड लुक एट देम, वो देखेगा, देख सकेगा, एंड नॉट अक्यूज हिमसेल्फ, और वो खुद को इल्ज़ाम नहीं लगाएगा. क्या, कैसे लगाएगा, देखते हैं. देर अक्यूज हिमसेल्फ 300 ईयर्स ऑफ इंग्लिश ऑक्यूपेशन एंड रूल, कहता भारत में 300 साल का इंग्लिश ऑक्यूपेशन राज, ओके, और वहाँ की हुकूमत, एंड कुड देयर बी चिल्ड्रन लाइक दिस, कहता कि वहाँ बच्चे ऐसे, जहाँ पर अंग्रेजों ने 300 साल तक राज की हुकूमत किया, वहाँ के बच्चे ऐसे पतले दुबले, पेट बड़े, बीमार, ऐसे बच्चे? यस, कहता हाँ, एंड मिलियंस ऑफ देम, कहता यही नहीं, उसमें लाखों हैं, दसों लाख हैं, लाखों लाख हैं, ऐसे लाखों लाख हैं. एंड द फाइनल इंडाइटमेंट श्योरली वॉज दैट, कहता कि फाइनल जो चार्ज है, फाइनल जो इल्ज़ाम है, श्योरली पूरी तरह से कंप्लीटली वॉज दैट, ये है कि लाइफ स्पेन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर्स, जो जिंदगी को जो स्पेन है, लोग जो जिंदा रहते हैं जनरली आमतौर पर 27 साल जिंदा रहते हैं, 27 ईयर्स, कहता 27 ईयर्स, 27 साल, नो वंडर, कहता कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है. देन दैट लाइफ वॉज हैसेंड, देन तब दैट लाइफ वॉज हैसेंड, लाइफ को जल्दी हो गया है, लाइफ जल्दी जाना चाहती है, हैसेंड है, हैसमेंट जल्दी. दैट अ मैन मैरिड वेरी यंग सो दैट देर कुड बी चिल्ड्रेन, कि क्या आदमी जल्दी ब्याह कर लेता है, जल्दी शादी कर लेता है, ताकि वो वेरी यंग, ताकि वो उसके बच्चे हो सकें, वो जल्दी शादी कर लेता है ताकि वो उसके बच्चे हो सकें, एज मैनी एज पॉसिबल, चाहे जितने हो, जितने बच्चे हो, वो बच्चे उनके हो सके, वो इसलिए जल्दी शादी कर लेता है. बिफोर ही डाइड, इससे पहले कि वो मर जाए, क्योंकि लाइफ स्पेन बहुत छोटा है, 27 साल का हो गया है, तो जितनी जल्दी हो सके वो शादी करे और जितने बच्चे पैदा हो पैदा कर ले. आई लव्ड इंग्लैंड, पर्ल एस बक कहती हैं कि आई लव्ड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड को प्रेम करती हूँ, रिमेम्बरिंग, इस बात को याद करते हुए, दैट हैप्पी जर्नी इज देयर, वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे हमने जर्नीज किए हैं, हमने काफ़ी अच्छे अच्छे सफ़र किए हैं वहाँ, हाँ, बट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में भा, लेकिन भारत में अगर बात करें, आई सॉ इन इंग्लैंड, मैं एक ऐसा इंग्लैंड देखा, ये कह रही हैं कि मैं इंग्लैंड में सफ़र कर चुकी हूँ, इतना अच्छा है,
लेकिन जब मैं इंडिया में आया तो वही इंग्लैंड जो यहाँ हुकूमत कर रहा था, जो यहाँ पे राज कर रहा था, बट इन इंडिया आई सॉ इन इंग्लैंड मैं ऐसा इंग्लैंड देखा आई डिड नॉट नो, जो कि मैं कभी जानता ही नहीं था। जिस इंग्लैंड को मैं जानता हूँ वो तो सिविलाइज्ड है, वो तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेंटेनेबल है, अपने लोगों को काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन करता है। लेकिन वो इंग्लैंड जो यहाँ पे राज कर रहा है, 300 साल से राज कर रहा है, तो वो ऐसा नेग्लिजेंस क्यों बरत रहा है? ऐसा इंग्लैंड तो मैंने कभी देखा नहीं। कौन कह रही है? पर्ल एस बक। क्लियर है दोस्तों? गुड। कहाँ चला गया भाई? Did not know. And I was forced to see that if the English, और मैं मजबूर हो गया देखने को, I was forced to see, मुझे देखना पड़ा, in many ways, the finest people on earth, मैंने बहुत तरह से इन लोगों को देखा, ये सबसे अच्छे लोग हैं धरती पर। कौन कह रही है? पॉल एस बक। People who blaze the way for all of us to achieve the light of men to rule themselves. People, वो लोग जो ब्लेज द वे, जो क्या करते हैं, रास्ते को ब्लेज करते हैं, रोशन करते हैं, जलाते हैं हम सब के लिए, ताकि हमारा अंधेरा दूर मिट जाए, हम आगे जा सकें, टू अचीव द लाइट ऑफ मैन, ताकि उनको लोगों की लाइट मिल सके, लोगों के द्वारा प्रकाश मिल सके, टू रूल देम सेल्फ, ताकि वो खुद को क्या कर सके, खुद पे राज कर सके, खुद को रूल कर सके। If colonialism could so corrupt even these, कहते कि अगर उपनिवेशवाद ने इस तरह से करप्ट किया है, if colonialism could so corrupt, इस तरह से अगर वो उसको बर्बाद कर सकता है, भ्रष्ट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, इवन दीज, देन इंडीड नन ऑफ अस कुड डेयर बिकम द रूलर्स ऑफ एम्पायर। अगर ऐसा कुछ अगर किया है कोलोनियलिज्म ने, उपनिवेशवाद ने, तो यह तय बात है, देन इंडीड एकदम सही में यह बात है, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, कुड डेयर, हिम्मत करेगा टू बिकम द रूलर ऑफ एम्पायर, किसी राज का रूलर, राजा और किंग बनने का कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ देखा जाएगा, ऐसा कुछ राज करने में आएगा कि उसके राज में लोग गरीब होंगे, परेशानियां होंगी, लोग परेशान होंगे, थिन होंगे, उनका फिजिकली वो ठीक नहीं होंगे, पेट बड़े बड़े होंगे, तो फिर इन लोगों ने क्या राज किया यहाँ पर, जो 300 साल जो जमे रहे, क्या किया इन लोगों ने? तो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ जो आया, इंडिया जो आया, तो मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ उस इंग्लैंड को देखकर, जो इंग्लैंड ऐसा नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड को वो पहले देख चुकी थी, इंग्लैंड के लोग ऐसे नहीं थे, उनकी सोच ऐसी नहीं थी, यहाँ कर वो किस तरह से ऐसे हो चुके हैं। तो वही बात कह रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को पूरा भी कर लिया, लाइन बाय लाइन किया, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। और यही था इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये पर्ल एस बक ने लिखा था। और चलिए बहुत जल्दी हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग इसको क्लियर करेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए चलिए, लाइट भी चली गई, थैंक यू वेरी मच।